नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। CBI की जो छापेमारी हुई है उस पर लालू यादव की बेटी ने जमकर भड़की है। उन्होंने कहा कि झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पलटू राम की तरह कभी जमीर बेचक रहे। दरअसल पूरा मामला क्या है, पहले हम आपको ये समझाते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि आखिर लालू यादव की बेटी क्यों अचानक से CBI पर भड़क गई। बिहार में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों और राबड़ी आवास पर CBI की रेड शुरू होने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ट्विटर पर लगातार इस कार्यवाही को लेकर पोस्ट कर रही हैं। रोहिणी ने मात्र कुछ ही घंटों में दर्जनों ट्वीट कर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। रोहिणी ने कभी कविता तो कभी शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार और CBI पर हमला बोला है। रोहिणी ने इस दौरान नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। रोहिणी ने ट्वीट किया है कि झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पलटू राम की तरह कभी जमीर बेचेगा नहीं, मिटा नहीं पाओगे उनकी हस्ती, जनता के दिलों में बसा है जिनकी कस्ती। इस अंदाज में लालू की बेटी ने जमकर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने छापेमारी शुरू होते ही ट्वीट करना शुरू किया। रोहिणी ने लिखा कि बंगाल वाला स्वागत बिहार में भी होना चाहिए था। उसके बाद ट्वीट में लिखा कि 6 घंटे नहीं 25 वर्ष से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू परिवार को मिटाने की जो साजिश में खुद का मुंह काला किया जा रहा है। अपनी माँ राबड़ी देवी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरी माता रानी अकेले सबका पसीना छुड़ा रही हैं। रोहिणी ने अगले ट्वीट में किया, माँ बहन बेटियों को कमजोर समझने की भूल मत करना, ये ऐसी शक्ति है जो यमराज से भी लड़ सकती है। रोहिणी ने ट्वीट में पूजा सिंघल का भी जिक्र करते हुए लिखा कि पूजा सिंघल का घर समझता था निकला गौ माता का घर, भर भर के गोबर ले जाएंगे कड़ी पार के घर। तो इस तरीके से लालू की बेटी जमकर जो है हमला बोलते हुए नजर आ रही है, और मकसद यही है क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से लालू यादव के घर पर जो है राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी हो रही थी। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।